VSCC 24 News, सच के आगे कोई नहीं। छत्रीगढ़ी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जो जमकर वायरल भी हो रहा है और इस वीडियो में वह साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 1,11,11,111 रुपये का पुरस्कार उनकी तरफ से दिया जाएगा, करनी सेना की तरफ से यह पुरस्कार दिया जाएगा। आखिरकार उन्होंने बताया कि निशाना साधते हुए लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने या गोगा मेडी की हत्या का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले हमारे आराध्य गोगा मेडी जी की हत्या कुछ बदमाशों के द्वारा कर दी गई थी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ है। ऐसे में जो भी पुलिसकर्मी उसका एनकाउंटर करता है उसे करनी सेना की तरफ से इनाम दिया जाएगा। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार ने बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवात को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष अब कहां से आ गए, जब सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या करवाई लॉरेंस ने तब वह कहां पर थे। यह अध्यक्ष साथ में उन्होंने यह भी कहा कि बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवात जैसे लोग गुंडा गैंगस्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे ऐसे लोग और भी अपराध करेंगे। ऐसे अध्यक्ष को हमारे देश की जरूरत नहीं है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो सुखदेव गोगामणि की बहरहमी से हत्या करवाई और लॉरेंस ने फिर उसका समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार ने ट्वीट करने पर अपनी गलती पर टिप्पणी करते हुए भी नजर आए और कुछ लोग लॉरेंस के समर्थन में दिखाई भी दे रहे हैं। जय छात्र धर्म, जय मां करनी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता।